हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुपी फैशन। गाइस, आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल न्यूड ब्राउन आई शेडो। गाइस, इजी है बहुत ज़्यादा और आप इजीली कोई सा भी आउटफिट टॉप जींस में कर सकते हो। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मिनी आई शेडो शेड 05 है, इसका शेड है। मैंने एक लिया है फैट पॉइंट ब्रश एंड उसके बाद मैंने पीच, हल्का सा पीच कलर है जो कि मैंने अपनी क्रीज लाइन जो कि ट्रांजेक्शन शेड एज है मैं यूज़ कर रही हूँ उसे। और यहाँ पर मैं क्रीज पे अपने अच्छे से ब्लेंड करूँगी, लगा रही हूँ इसे एंड बहुत ही अच्छा से एक पिगमेंटेड है। गाइस, स्विस ब्यूटी का ये पैलेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, न्यूड ब्राउन है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे शेड है। गाइस, अच्छे से इसको ब्लेंड करने के बाद मैं एक कोना जो कॉर्नर है वहाँ पर उससे भी थोड़ा सा डार्क शेड लूँगी। और उसके बाद देख सकते हो मैंने इससे थोड़ा सा डार्क शेड लिया है और इसे भी मैं उसी पॉइंट ब्रश से ब्लेंड करूँगी अपने कॉर्नर पर और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। गाइस, ब्लेंड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लेंड नहीं करते हो आई शेडो में ना, तो आपका शेडो अच्छा नहीं दिखा है, नेचुरल नहीं दिखता है। ठीक है, आप चाहो कोई सा भी आई शेडो करो, आपको ब्लेंडिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको मैंने डिटेलिंग में यहाँ पर दिखाई किस तरह से ब्लेंड करना है। अगर आप बिगनर हो तो आप ईजिली इसे क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपने मेरा आईब्रो वाला वीडियो नहीं देखा है कि आप एक परफेक्ट आईब्रो कैसे बना सकते हो, देख सकते हो मैंने अपना आईब्रो बना लिया है, तो वो भी आप वीडियो भी आप बिल्कुल देखना मत भूलना। तो गाइस, नेक्स्ट मैं उससे थोड़ा सा डार्क ले रही हूँ अपने बीच वाले जो आई बॉल की तरफ, उसे मैं उससे थोड़ा डार्क शेड लिया है मैंने, ये शायद न्यूड ब्राउन है, उसको मैंने इसी पॉइंट ब्रश से मैंने ब्लेंड किया है। गाइस, एक ही ब्रश है, बहुत सारा काम करता है ये एक ही ब्रश। मैंने लास्ट में कुल्फी ब्रश से सारी चीज़ों को ब्लेंड किया है। आपको बीच में जो बॉल है, उस बॉल आई बॉल जिसे कहते हैं, उससे आपको अच्छे से वहाँ पर लगाना है। उसके बाद जो हमारा जो कॉर्नर पूरा बचता है आई के किनारे वाला एरिया, उसमें आपको उससे थोड़ा डार्क शेड लेना है और उससे आपको यू की शेप की आपको बनानी है। आप देख सकते हो मैं किस तरह से बना रही हूँ, आपको यू शेप बनाना है अच्छी तरह से। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने कितना अच्छे से यू शेप बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। आपको अब सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करना है, सारी चीज़ों को, आपको जहाँ से भी आई शेडो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, कम है, आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करके ये सारे एक बहुत ही अच्छा न्यूड ब्राउन के रूप में आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप देख सकते हो मेरे आई, ये आई का लुक ही चेंज कर देता है गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे लोअर लैशेस के लिए लोअर लैशेस में लगाऊंगी, जैसे कि लोअर लैशेस में नहीं लगाऊंगी तो आँख जो है ना वो थोड़ी सी छोटी दिखती है, तो इससे मैं लोअर लैशेस में यूज़ कर रही हूँ वही डार्क ब्राउन। थोड़ा डार्क यूज़ करना है आपको नीचे में यूज़ करने के लिए। अब वही मैं पॉइंट वाला ब्रश ले रही हूँ जिससे कि अच्छे से नीचे में अप्लाई हो सके और मैं नीचे में इस ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आपको अच्छे से नीचे में ब्लेंड करना है, आपको ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। आपको क्या करना है, बस वाटर लाइन के थोड़े से एरिया में आपको कॉर्नर से लेके किनारे तक उसमें ब्लेंड करना है आपको अच्छी तरीके से। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो मैंने कितनी अच्छी से आई शेडो को ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे मेबिन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, एक विंग क्रिएट करूँगी और मैंने फॉल्स लैशेस लगा लिए हैं, काजल लगा लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। गर्ल्स, कैसा लगा आपको ये आई मेकअप लुक, ज़रूर बताइएगा कमेंट में।